आज आपको उस फर्नीचर के बारे में बताऊंगी जो आपके घर में है घर में रखा कॉमन फर्नीचर आपके लिए सौभाग्य कैसे लाएगा आपको फर्नीचर खरीदते समय क्या ध्यान रखना है और जो फर्नीचर खरीद लिया है उसको किस दिशा में रखना है ये पूरी जानकारी दूंगी आपको सर्दी की लकी जैकेट भी दिखाऊंगी जैकेट के कलर का आपको ध्यान रखना है जो भी कलर आपको पहनना है ये हम जानेंगे और आज विष्णु जी की कृपा दिलाने वाली सफला एकादशी है उसकी बात भी होगी आपको नारायण की कृपा मिल सकती है आइए अब आपको आज का पहला महा उपाय क्या है ये बताती हूँ क्या आपके घर में पैसे हैं लेकिन डर लगता है पैसा कम ना हो जाए घर में सोने का एक चौरस सिक्का रखें, डॉग को दूध पिलाएं अपने कमरे में मोर का पंख रखें धीरे धीरे आपके ये डर दूर हो जाएंगे ऐसा घर देखकर दिल करता होगा कि काश आपका घर भी ऐसा ही हो तो इंतजार किस बात का नए साल आने वाला है बस कुछ ही दिन बाकी हैं जो आपने पिछले साल नहीं किया वो इस साल कीजिए अपने घर को नया लुक दे दीजिए और वास्तु के हिसाब से घर को परफेक्ट बना लीजिए आपको ड्राइंग रूम में कैसा फर्नीचर रखना है पहले वो जानिए कमरे में सोफा कुर्सी या मेज़ रखने के लिए आपको पश्चिम या दक्षिण दिशा को ही चुनना है साथ ही आप भारी फर्नीचर का भी इस्तेमाल कर रहे हैं घर के मुखिया के बैठने के लिए जो चेयर होगी वो इस तरह रखें कि उनका चेहरा ईस्ट की तरफ रहे। अब बात बेडरूम की बेडरूम में सबसे ज़रूरी फर्नीचर होता है बेड अगर बेड को दीवार के नज़दीक सटा कर रख रहे हैं तो ये ज़रूर देख लें कि सिर के पीछे की दीवार काफ़ी मजबूत हो आपका सिर ना तो दीवार के कोने में हो और ना ही किसी अलमारी के पीछे और इसी तरह सोते समय भी आपको पैर दीवार की ओर रख के नहीं सोना चाहिए यह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा साबित हो सकता है इसीलिए ध्यान रखिएगा इस बात का अब आपकी ड्रेसिंग टेबल की बात ज़्यादातर लोगों के घर में ड्रेसिंग टेबल बेडरूम में ही रखा जाता है अगर आप बेड पे, आपके बेड के बिल्कुल सामने शीशा साफ दिखाई दे रहा है तो सोने से पहले उस शीशे को पूरा अच्छे से ढक दें रूम में ऐसा आईना लगाइए जिससे आपका पूरा शरीर उसमें दिखे अपने बेडरूम में बिजली की आइटम ना रखें चाहे वो टीवी, कंप्यूटर लैपटॉप या फिर कोई और दूसरी चीज ही क्यों ना हो ये एनर्जी को ब्लॉक करती है इन्हें रखने से आपके मन का सुकून खत्म हो जाता है बेडरूम का रंग कैसा हो ये भी जान लीजिए अगर आप रोमांटिक टच देना चाहते हैं तो हल्का पिंक लिटिल रेड मजेंटा लैवेंडर या कोरल को यूज़ करें परफेक्ट फर्नीचर आपके घर को स्वर्ग बना सकता है फर्नीचर बनवाते या खरीदते समय ध्यान कुछ बातों का रखना है आपको ये बेहद जरूरी है आप जानिए वो कौन सी बातें हैं। भारी भरकम फर्नीचर की जगह पर हल्का फर्नीचर लीजिए गोल घुमावदार कट वाला फर्नीचर ना लें। ये महंगा तो होगा ही साथ ही साथ इसके रखवा इसके रख रखाव को भी आपको खास ध्यान देना पड़ेगा इस तरह की चीज़ें हमेशा फैशन में नहीं रहती सीधे कट और डिज़ाइन वाला फर्नीचर ही लें ये सदा बाहर भी होता है और महंगा भी नहीं होता रॉट आयरन का फर्नीचर अब फैशन में नहीं है पर रॉट आयरन और लकड़ी के मिक्स मैच करके तैयार फर्नीचर खूबसूरत लगता है और ये फैशन में भी है फर्नीचर के रंग के लिए लकड़ी को आधार मान लिया जाए फिर फर्नीचर के कपड़े को फर्नीचर नेचुरली टीक वुड के रंग का ही हो तो बेहतर है अगर प्राकृतिक तीकपुट रंग देखने में अच्छा ना लगे तो उसमें गहरे रंग का टच दे सकते हैं चाहे तो फिर वॉलनट हो हल्का सा इसका टच दे सकते हैं साथ ही पीतल का नॉब लगा देने से इसका लुक और बढ़िया हो जाता है ध्यान रखें सारा फर्नीचर गहरे रंग का ना हो रोजवुड के रंग से बचें इससे भी फर्नीचर देखने में भारी भरकम लगता है चलिए अब आपको वक्त हो गया है बताने का आज का दूसरा महा उपाय क्या लाख चाहकर भी पैसा नहीं मिल रहा एक नारियल पर सिंदूर मौली अक्षत अर्पित करके पूजा करें फिर हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाएं पैसे का फायदा होगा फर्नीचर आपके घर की सुंदरता को बढ़ाता है लेकिन अगर आपने फर्नीचर खरीदने में गलती कर दी तो ये बहुत समस्याएं भी ला सकता है आपको क्या बिल्कुल नहीं करना है वो जानिए कई बार होता क्या है कि आप अपनी सुविधा के मुताबिक फर्नीचर बनवा लेते हैं बनवाना चाहते भी हैं उसके लिए लकड़ी या बना बनाया फर्नीचर शुभ दिन देख ही खरीदें आपको जो काम बिल्कुल नहीं करना है वो ये है कि कभी भी मंगलवार शनिवार या अमावस्या को ना खरीदें अमावस्या वाले दिन फिर चाहे कोई सा भी दिन क्यों ना हो उस दिन फर्नीचर ना खरीदें हर महीने अमावस्या आती है मैं बताती रहती हूँ इसीलिए इसका ध्यान ज़रूर रखना है फर्नीचर की लकड़ी हमेशा किसी अच्छे पेड़ की होनी चाहिए जिसे नजदीक जाने से आपको पॉजिटिव एनर्जी मिल सके अशोका साल चंदन शीशम और नीम का पेड़ इन्हीं में से एक है इनको रखने से शुभ फल मिलता है फर्नीचर के किनारे नकीले नहीं होने चाहिए क्योंकि ये नेगेटिव एनर्जी देते हैं इसके किनारे हल्के सॉफ्ट राउंड एजेस होने चाहिए आजकल फर्नीचर तरह तरह के प्रिंट्स में भी चल रहा है अगर आप भी फर्नीचर प्रिंटेड चाहते हैं तो उस पर शेर चीता सूरज फूल मोर घोड़े गाय के चित्र बनवाना शुभ है लेकिन ध्यान रहे फर्नीचर पर गहरी पॉलिश ना करवाएं हल्की पॉलिश करवाएं शो में अब आपको आज का तीसरा महा उपाय क्या है ये बताने का वक्त हो गया है क्या आपकी किस्मत साथ नहीं दे रही है बार बार धोखा दे जाती है अमावस्या के दिन पीली त्रिकोण आकृति का पातुका यानी कि झंडा लेकर विष्णु मंदिर में ऊंचाई वाले स्थान पर इस तरह लगाएं कि वो लहराता हुआ रहे आपका भाग्य भी शीघ्र ही जल्दी ही चमक जाएगा झंडा लगातार वहां लगा रहना चाहिए ये जरूरी शर्त है आपके घर में फर्नीचर है तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना भी जरूरी है आपका दुर्भाग्य बदल जाएगा सौभाग्य आएगा आपको क्या करना है क्या ध्यान रखना है वो जानिए सेफ को कभी भी खाली ना रखें कई लोग घर या दुकान में तिजोरी रखते हैं ऐसे में इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि तिजोरी कभी भी खाली ना रखें ऐसा होने से घर में दुर्भाग्य बढ़ता है पैसों में कमी आती है इससे बचने के लिए तिजोरी में चांदी का सिक्का रख दे ताकि पैसे ना होने पर तिजोरी पूरी तरह से खाली ना रहे बीम के नीचे पलंग ना रखें बीम के नीचे पलंग रखना गलत माना जाता है ऐसा करने से मनुष्य थका थका और टेंशन में रहने लगता है साथ ही बीम के नीचे रखे पलंग पर सोने वाले को अपने कामों में कई तरह की रुकावटें और परेशानियों का सामना करना पड़ता है इससे छुटकारा पाने के लिए पलंग को बीम के नीचे से हटा दें। अलमारियां खुली ना रखें खुली अलमारी घर में नेगेटिव एनर्जी पैदा करती है जिसके कारण बीमारियां और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है इसीलिए खास तौर पर ध्यान रखें कि काम ना होने पर घर की कोई भी अलमारी खुली ना हो बेडरूम में आईना इस तरह ना रखें कि पलंग की रिफ्लेक्शन सीधा सोते समय आईने में दिखाई दे इससे पति पत्नी के बीच तनाव पैदा होता है इस बात को मैं पहले भी कह चुकी हूँ बार बार कहती हूँ आर्थिक स्थिति भी खराब होती है इससे बचना जरूरी है कांच को ढक के रखें खास तौर पर सोते समय एक और बात झाड़ू पोछा और डस्टबिन खुला ना रखें झाड़ू पोछा या डस्टबिन को खुले में बिल्कुल नहीं रखना चाहिए क्योंकि ये घर में आने वाली पॉजिटिव एनर्जी को नष्ट कर देता है साथ ही ये बाद में सफलता की रुकावट के कारण भी बन जाते हैं याद रखिए झाड़ू को कभी भी रसोई में ना रखें क्योंकि ये आय और अन्न दोनों के लिए अच्छा नहीं माना जाता उपयोग ना होने पर बाथरूम को बंद रखें अलमारी की तरह बाथरूम भी खुला होता है तो नेगेटिव एनर्जी लाता है जब भी बाथरूम का उपयोग ना हो तब उसका दरवाजा बंद रखें और इसके बाद भी विशेष रूप से ध्यान रखें कि बाथरूम हमेशा साफ हो गंदा बाथरूम भी सफलता और कामों में रुकावट का कारण बन सकता है आगे बढ़ने से पहले जरा सर्दियों की बात कर लेते हैं ऐसे तो आप आंखों को पसंद आने वाले दिल को भाने वाली जैकेट की खरीदारी करते ही हैं। लेकिन अगर आप फैशन के साथ साथ लकी जैकेट खरीदने की सोच रहे हैं तो राशि के हिसाब से जैकेट का कलर तय कर सकते हैं मैं बताती हूँ आप अपनी राशि के हिसाब से नोट कर लीजिए मेष वृश्चिक राशि वालों के लिए येलो ऑरेंज पिंक केसरिया रंग की जैकेट अच्छी रहेगी वृषभ और तुला राशि वालों के लिए सभी ग्लिटरिंग रंग ब्लू फिरोजी जैकेट खरीदने के लिए बहुत अच्छा रहेगा लाल कलर की जैकेट बिल्कुल नहीं खरीदें मिथुन कन्या राशि वालों के लिए ग्रीन ब्लू फिरोजी जैकेट बहुत अच्छी रहेगी कर्क राशि वालों के लिए वाइट कलर की जैकेट बहुत अच्छी रहेगी या स्काई ब्लू कलर की सिंह राशि वालों के लिए गुलाबी ऑरेंज गोल्डनिश पीले रंग की जैकेट या ब्राउन कलर की जैकेट भी अच्छी रहेगी धनु राशि वालों के लिए और मीन राशि वालों के लिए ऑरेंज येलो केसरिया रंग की जैकेट बहुत बढ़िया रहेगी मकर और कुंभ राशि वालों के लिए ब्लू पर्पल स्काई ब्लू डार्क ब्लू रॉयल ब्लू ये सारे कलर्स बहुत लकी माने जाते हैं और ब्लैक कलर भी आप सोच रहे होंगे कि जैकेट का कलर और आपके भाग्य के बीच कैसे कोई कनेक्शन हो सकता है मैं आपको बोनस टिप देती हूँ कि इसके पीछे लॉजिक क्या है देखिए जैकेट ऐसी चीज़ होती है जिसे हम बार बार पहनते हैं सर्दी में और इसका इफेक्ट सीधा हमारी बॉडी हमारी स्किन पे पड़ता है क्योंकि कलर थेरेपी के थ्रू सूर्य की रोशनी के थ्रू हम इस कलर को अपने अंदर एम्बाइट करते हैं इसलिए अपने लकी कलर के जैकेट को जरूर पहने ताकि हर समय आप अपने पॉजिटिव प्लान की एनर्जी को ही बढ़ाएं चलिए जानते हैं आज का चौथा महा उपाय आपको बताना है ये कि क्या लक्ष्मी को फटाफट प्रसन्न करना चाहते हैं आप आप चाहते ही होंगे आप देवी लक्ष्मी की चित्र या मूर्ति के सामने नौ बातियों वाला दीपक जलाएं। उसकी दिन उसी दिन आपको लाभ होगा उसी दिन आपको फायदा होगा और माता आप पर हमेशा प्रसन्न रहेंगी आइए अब आपको विंटर फैशन की मार्केट में ले चलते हैं देखते हैं विंटर फैशन में क्या क्या नया आया है आज हम विंटर्स के कपड़ों की शॉपिंग करने के लिए पहुंच गए हैं दिल्ली के जनपद मार्केट में और कलेक्शन आपको दिखाती हूँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तरह तरह के जो डिज़ाइंस हैं वो आपको यहाँ दिख जाएंगे ये फिलहाल जो आप डिज़ाइन देख रहे हैं इसे पोचू कहा जाता है और ये खास तौर पे एक वेयर पोचू एक तरह से डिज़ाइन किया गया है और इसमें आप देख सकते हैं कि ब्लैक कलर के साथ साथ यहाँ पर बीच बीच में शिमरी लुक भी है तो वो भी बहुत खूबसूरत लगता है ये भी आपको अलग अलग कलर्स में मिल जाएगा आप देख सकते हैं यहाँ पर वाइट की रेंज है पिंक की रेंज है और ये सभी पोचूज बेहद खूबसूरत लगते हैं आप कुछ भी पहने ऊपर से एक पोचू डाल लीजिए और वो बहुत खूबसूरत लगेगा इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कुछ जैकेट्स की ओर ऑप्ट करना तो आपको इस तरह के कुछ जैकेट्स भी मिल जाएंगे कुछ और ऑप्शंस अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम कलरफुल जैकेट्स होंगे और एक ये रेंज आप देख सकते हैं ये सभी कलरफुल जैकेट्स की आप रेंज देख रहे हैं और इन सब की खास बात यह है कि ये बेहद गर्म भी है और साथ ही साथ आप क्योंकि ये मल्टी कलर्स में है अलग अलग कलर्स में अवेलेबल है ब्लू है पिंक है ग्रे है ब्लैक है तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं लेकिन अगर आप जैकेट्स नहीं चाहते आप चाहते हैं ब्लेज़र्स के लिए तो उसके लिए भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शनस होंगे एक आप देख सकते हैं कि लेदर जैकेट भी है ये लेदर जैकेट एक मैंने भी कैरी किया हुआ है बेहद गर्म भी रहता है और ठंड भी बचाता है इसके अलावा अगर ब्लेज़र्स आप लेना चाहें तो ये देखिए इस नए लुक के ये ब्लेजर्स भी हैं और इनका आप देख सकते हैं कि एक नया लुक दिखाने के लिए यहाँ पर जो कॉलर है उसको अलग से यहाँ पर डिज़ाइन किया गया है और इसमें आपको ज़्यादातर डार्क कलर्स मिलेंगे कहते हैं कि विंटर्स में डार्क कलर्स ज़्यादा पसंद किए जाते हैं और इसी के चलते आप देखिए इस तरह से भी आपको तमाम ये डिज़ाइन भी मिल जाएंगे ब्लेजर्स के ये देखिए ब्लैक कलर है और साथ ही साथ उतना गर्म भी रखता है खास बात यह है कि आपको इन तमाम विंटर्स के कपड़ों की शॉपिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा आपको अपने जेब पर भार नहीं डालना पड़ेगा आपको ये रेंज जो है वो 700, 800 से शुरू होकर ये आगे तक रेंज जाती है अगर आप चाहते हैं कुछ वेस्टर्न लुक ना हो एक इंडियन लुक भी हो तो आप इस तरह के जो वुलन कुर्तीज़ हैं आप उनको भी यहाँ पर ऑप्ट कर सकते हैं ये देखिए ये वुलन कुर्ती है और इसकी खास बात ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आ, कुछ ऐसा हो जिसमें आपको कार्डिगन भी ना कैरी करनी करनी पड़े और साथ ही साथ ठंड भी आपकी बचाए तो आपको इस तरह से ये तमाम कुर्तीज़ मिल जाएंगी यानी कि इस विंटर सीज़न अगर आप चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा आप ऐसा लुक ना रखें जो बहुत हैवी लगे साथ ही साथ एक ऐसा लुक जो कि आपको खूबसूरत भी दिखे ट्रेंडी भी दिखे तो आप इस तरह के जैकेट्स कैरी कीजिए ठंड को एंजॉय कीजिए और साथ ही साथ लुकी खूबसूरत सर्दियों का मौसम चल रहा है तो फिर चलिए आपको सर्दियों में कैसे खूबसूरत बनना है इस पर बात कर लेती हूँ अगर इस मौसम में आपकी स्किन रूखी रूखी हो गई है ड्राई हो गई है आपको अपनी स्किन को कैसे बचाना है आइए हीरोइन से टिप लेते हैं सर्दियों में स्किन की देखभाल करना काफी मुश्किल हो जाता है पर हमारे जो स्टार्स हैं वो किस तरह से देखभाल करते हैं वो जानते हैं पारुल हमारे साथ हैं हेलो पारुल हाय बहर सर्दियों में बहुत मुश्किल हो जाता है यू नो स्किन रूखी हो जाती है तो किस तरह से आप देखभाल करते हैं इसकी सर्दियों में आपको हेवी मॉइस्चराइजर यूज करना चाहिए जो कि कोकोआ बेस्ड हो जिसमें कोकोआ बटर क्रीम हो जो बहुत ही रिच होती है इनफैक्ट उसको आप लगाते हैं तो आपकी स्किन भी बहुत ईजिली एब्जॉर्ब नहीं करती उसकी लेयर आपकी स्किन पर रहती है तो आई थिंक ऐसा कुछ होना चाहिए जो बहुत स्ट्रांग हो और जो आपकी स्किन को खूब मॉइस्चराइज करे एंड आइडियली आई थिंक आपको रात को सोते टाइम में एक हैवी मॉइस्चराइजर कई लोग तो नारी का तेल लगाकर सोते हैं जिनकी बहुत स्किन ड्राई होती है तो नारियल का तेल या आमंड क्रीम एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्रीम होती है और बहुत ही अच्छी होती है आपकी स्किन के लिए तो रात को आप वो लगा के सोएं या फिर वाइटमिन ई की कैप्सूल आती है उनको स्क्वीज करके भी कई लोग लगाते हैं एक्स्ट्रा मॉइस्चराइजिंग के लिए तो आप वो भी लगा सकते हैं ग्रेन okay, उसके साथ साथ पारुल ये पूछेंगे कि बहुत बार हमें ऐसा लगता है की नो सर्दियों में सनस्क्रीन नहीं लगाएं या जरूरत नहीं होती है सनस्क्रीन का उतना तो आपको क्या लगता है कि कितनी जरूरत होती है सनस्क्रीन की भी हमारी स्किन के लिए नहीं आई थिंक मुझे लगता है कि सनस्क्रीन तो बहुत जरूरी है क्योंकि आ, आ, मतलब डॉक्टर्स तो इनफैक्ट इतना कहते हैं कि आप घर में हैं तो भी आप सुबह सनस्क्रीन लगाइए क्योंकि आजकल हम जिस एनवायरमेंट में रह रहे हैं वो बहुत हेल्दी एनवायरमेंट नहीं है सनस्क्रीन वेरी इंपॉर्टेंट चाहे वो सर्दियां हो गर्मियां हो या आपको एक अच्छी एस पी एफ प्रोटेक्शन सनस्क्रीन तो जरूर लगानी चाहिए एटलीस्ट वाइस अ डे जिससे आपकी स्किन प्रोटेक्टेड रहे आज सफला एकादशी है ये दिन बहुत इंपॉर्टेंट है इसका बहुत महत्व है आपको अपने त्योहारों और व्रत वगैरह की जानकारी होनी चाहिए सफला एकादशी क्या है मैं बताती हूँ जरूर जानिए आपको फल मिलेगा ये एकादशी अपने नाम के हिसाब से मनोकामना सफल करने वाली एकादशी है पुराणों में बताया गया है कि जो कोई पूरे विधि विधान से एकादशी का व्रत और रात में जागरण करता है वर्षों तक उसकी तपस्या करने का पुण्य उसको प्राप्त होता है भगवान श्री कृष्ण ने युद्धिष्ठर को बताया था कि सफला एकादशी व्रत के देवता श्री नारायण है जो भी सफला एकादशी के दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करता है रात में जागरण करता है ईश्वर का ध्यान और श्री हरि के अवतार और उनकी लीला कथाओं का पाठ करता है उसका व्रत सफल होता है इस प्रकार से सफला एकादशी का व्रत करने वाले पर भगवान प्रसन्न होते हैं जीवन में आने वाले दुखों को पार करने में भगवान सहयोग करते हैं इससे आप जीवन का सुख प्राप्त करते हैं सफला एकादशी की जो कथा है उसके मुताबिक महिष्मान नाम का एक राजा था इनका बड़ा बेटा लुम्पक पाप करता था इससे नाराज होकर राजा ने अपने बेटे को देश के बाहर निकाल दिया लुम्पक जंगल में रहने लगा पौष कृष्ण दशमी की रात में ठंड की वजह से वो सोना सका फिर बेहोश हो गया आधा दिन गुजर जाने के बाद जब बेहोशी दूर हुई तब जंगल से फल इकट्ठा करने लगा शाम में सूर्यास्त के बाद अपनी किस्मत को कोसते हुए भगवान को याद करने लगा एकादशी की रात भी अपने दुखों पर विचार करते हुए लुम्पक सो लुम्पक से सफला एकादशी का व्रत पूरा हो गया इस व्रत के प्रभाव से लुम्पक सुधर गया और इनके पिता ने अपना सारा राज्य लुम्पक को सौंप दिया और खुद तपस्या के लिए चले गए काफी समय धर्म से राज करने के बाद लुम्पक भी तपस्या करने चला गया और मृत्यु के बाद उसे विष्णु लोक में स्थान प्राप्त हुआ अगर आप आज व्रत नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं आप आज के दिन भगवान विष्णु की पूजा तो कर सकते हैं वो कीजिए रोज काम करते हुए भगवान को याद करें शाम के समय भगवान की पूजा और आरती के बाद भगवान की कथा का पाठ करें एकादशी के दिन चावल से बना भोजन लहसुन प्याज मांस शराब का सेवन ना करें आइए बात करते हैं आज की स्पेशल एस्ट्रो टिप की भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का यह मौका चूकेगा नहीं भगवान विष्णु का तस्वीर घर में जिनमें माँ लक्ष्मी उनके पैर दबा रही हों इसको लगाने से जीवन की नैया पार हो जाती है आपको माँ लक्ष्मी के पीछे भागना नहीं पड़ता माँ आपके घर में स्थायी हो जाती हैं बात यह इस तस्वीर को लगाए कहाँ इसको घर के ईस्ट कोने में लगाना है और देखिए आपके जीवन किस तरीके से साफ सुथरा हो जाता है फेसबुक पर श्रेया कुशवाहा ने हमारे साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर की है श्रेया ये जानना चाहती हैं, बेसिकली कि वो अपनी लव लाइफ को कैसे स्ट्रोंग बना सकती हैं। लव लाइफ को स्ट्रोंग बनाने के लिए अपने जो भी आपके बॉयफ्रेंड हैं या जिनसे भी आपका रिलेशनशिप है आपके अच्छे दोस्त हैं उनसे चांदी का कोई गिफ्ट लेकर आप पहने और जितना हो सके अपने पैर के पास पहने आप आप अपने पैरों के लिए फुट रिंग्स ले सकती हैं आप कोई एंकलेट ले सकती हैं ये पहने है। और आप उनको कोई लेदर की आइटम गिफ्ट करें इससे आप दोनों के रिश्ते मजबूत रहेंगे और उन्हें कहें लेदर के वॉलेट में अपने आपकी फोटो भी रखें चलिए आप हम एंटरटेनमेंट से पहले आपके कल को सुधारने की बात करेंगे क्या करेंगे आप कल अपनी राशि के हिसाब से जल्दी से जान लीजिए मेष राशि के लोग पीला रुमाल आप अपनी जेब में रखिए कल के दिन लक साथ दे रहा है आपका फिफ्टी सेवन परसेंट वृक्ष राशि के लोग सूर्य को प्रणाम कीजिए कल भाग्य साथ दे रहा है आपका सिक्सटी फाइव परसेंट मिथुन राशि के लोग किसी को सलाह ना दें भाग्य साथ दे रहा है आपका फिफ्टी सेवन परसेंट कर्क राशि के लोग गरीबों को दूध दान में दीजिए लक साथ दे रहा है आपका 64 परसेंट सिंह राशि के लोग दिन में खूब पानी पीजिए लक्ष साथ दे रहा है आपका 62 परसेंट कन्या राशि के लोग मंदिर में हनुमान जी का टीका लगाइए भाग्य साथ दे रहा है आपका 67 परसेंट तुला राशि के लोग शाम को हनुमान जी की आरती कीजिए लक्ष साथ दे रहा है आपका 70 परसेंट वृश्चिक राशि के लोग सुबह धार्मिक संगीत सुनिए भाग्य साथ दे रहा है आपका 68% परसेंट और धनु राशि के लोग अलमारी में कल मोरपंख रखिए किस्मत साथ दे रही है आपका 50% परसेंट मकर राशि के लोग घर को बिल्कुल साफ सुथरा रखें भाग्य साथ दे रहा है आपका 64% परसेंट और कुंभ राशि के लोग किसी की चुगली ना करें भाग्य साथ दे रहा है आपका सिक्सटी मीन राशि के लोग किसी से झूठ बिल्कुल ना बोलें भाग्य साथ दे रहा है आपका 55 परसेंट शो के आखिर में आपको आज का पांचवा और आखिरी महा उपाय बताती हूँ क्या लाख कोशिशों के बाद भी पैसे की दिक्कत समाप्त नहीं हो रही है मंदिर में केले के दो पौधे नर और मदा लगा दें अपनी सारी आर्थिक परेशानियाँ दूर करने के लिए प्रार्थना करें दोनों पेड़ जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे आपकी आर्थिक स्थिति उतनी ही मजबूत होती जाएगी अच्छा एक बात बताइए आपके घर में दूध आता है नहीं नहीं अभी मैं चाय पर नहीं आ रही हूँ मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आपके घर में आने वाला दूध किसी संजीवनी से कम नहीं है कल आपके घर में आने वाले दूध की एक एक बात करूँगी जो आपको कहीं और नहीं सुनने को मिली होगी लेकिन अभी चलती हूँ ख्याल रखिए बाय बाय टेक केयर